नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नई वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। अभी हाल ही में जीआरए यानी जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट है वो आप सभी छात्रों के लिए जारी हुआ है, और रिजल्ट एक तरीके से जारी होने के बाद में जितने भी जो स्टूडेंट थे जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ मान रहे थे कि उनकी कट ऑफ 45 या 50 या लास्ट 52 या 53 तक रह सकती थी, अब यहाँ पर वो स्टूडेंट जब उन्होंने अपना रिजल्ट देखा, रिजल्ट देखने के बाद में वो हक्का बक्का हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो आलोक राज जी है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है, उनके द्वारा ट्वीट भी जारी किए गए हैं, वो भी मैं क्लियर करूंगा। अब जो इस भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है वो किस तरीके से हुआ है वो भी मैं क्लियर करूंगा। साथ ही में ये भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आपका रिजल्ट जारी हुआ था तो उस टाइम जो राधे मीना जी है यानी कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है, उनके द्वारा एक ट्वीट जारी किया गया था कि इस भर्ती में बिल्कुल फर्जीवाड़ा हुआ है, जितने नंबर चाहिए होते थे यानी कि मतलब कि जितने नंबर आने थे स्टूडेंट्स के उतने नंबर नहीं आए। यहाँ पर आपको पता है कि आपका जो पेपर था वो 300 नंबर का था, 300 नंबर में 23 क्वेश्चन यहाँ पर आपके डिलीट हुए हैं, तो तकरीबन आप मान सकते हो कि आपके 40 से 50 नंबर तो आपके ये गए। लेकिन जो आलोक राज जी है उनके द्वारा एक ट्वीट जारी किया गया और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया कि जो भी आपके नंबर रहते हैं, जो भी क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, इनके नंबर आपको एक तरीके से बांटे दिए जाएंगे, जो भी आपके नंबर आ रहे हैं उनमें बांटे दिए जाएंगे। अब यहाँ पर काफी छात्रों का कहना यह है कि या तो एग्जाम सेंटर में कोई दिक्कत हुई है, या मतलब कि पेपर करवाने के बाद में अलग से स्टूडेंट से ओएमआर सीट भरवा ली गई है। कुछ का बोलना है कि 1200 सीट बिकने की बात की जा रही है, कुछ का बोलना है कि जैसे भरतपुर बीकानेर के जो कुछ केंद्र है वहां पर 150 से 200 छात्र पास हुए हैं। साथ ही में काफी छात्रों की अलग अलग राय आ रही है, और एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर जो आलोक राज जी है वो एक तरीके से जो बोर्ड की गलती है उनको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर आप ट्वीट देख सकते हो, ट्वीट के माध्यम से आपको पता लग रहा होगा। एक बात यह है कि उन्होंने जो अपनी गलती है वो गलती माननी है, उन्होंने बोला है कि सिस्टम में एक तरीके से सुधार करने की जरूरत है और हम सिस्टम में सुधार करेंगे। ठीक है, साथ ही में काफी छात्र ये भी बोल रहे हैं कि जो सिस्टम है बिल्कुल खराब है। अब देखो, आप सभी छात्रों को पता है कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट थे वो सूचना सहायक की तैयारी कर रहे थे, लगातार तैयारी कर रहे थे, उनके बाद में जैसे ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है उनको पता लगता है कि वो एलिजिबल है एक तरीके से जेआरए का एग्जाम देने के लिए। उनके पास में ओनली 2 मंथ का, क्योंकि मैंने तो ये चीज लाइव देखी है, उनके पास में ओनली 2 मंथ का टाइम था, उन्होंने जमकर तैयारी की है, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी की है। आपको भी पता है कि जो सेकंड पेपर था इतना इजी नहीं था, आपके 12 सब्जेक्ट रहते हैं और इनको रिवाइज करना, बार बार एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज करना भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है। उन्होंने लगातार मेहनत की, मेहनत करने के बाद में उन्होंने एक तरीके से यही सोचा था कि जो लास्ट कट ऑफ रहेगी, क्योंकि देखो यहाँ पर 60% आपकी जो कट ऑफ रही है, यानी कि आपको मैं क्लियर करूं, जैसे जनरल की आपकी कट ऑफ है 576 तक गई है, उसके बाद में ये 23 क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर लगातार स्टूडेंट्स की मांग है कि जो ये पेपर है वो रद्द होना चाहिए। अब देखो, इसमें सबसे बड़ी लापरवाही बोर्ड की है, जिन्होंने एक तरीके से एग्जाम, जो भी एक तरीके से एग्जाम पेपर जिनके द्वारा बनवाया जाता है वहां पर, जैसे आपको पता है कि जैसे कोई भी भर्ती जारी होती है उसका बार बार रिवाइज कैलेंडर जारी होता है, उसमें जो भी दिक्कतें होती है, जो भी एरर्स होती है, उनको सुधारने के लिए बार बार रिवाइज कैलेंडर जारी किया जाता है, तो उसी तरीके से इस पेपर को बार बार एक तरीके से चेक करना चाहिए था, क्योंकि काफी अरसे के बाद में ये जो जेआरए का पेपर है वो आपका लिया गया था। हाल ही में आपको पता है कि एनटीए के द्वारा सबसे पहले रीट का एग्जाम था, वो एक तरीके से वहां पर वायरल हो गया, यानी कि वो एक तरीके से उसमें भी काफी ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ। फर्जीवाड़ा होने के बाद में यहाँ पर नेट का पेपर हुआ, नेट का पेपर भी एक तरीके से वहां पर रद्द होने की मांग की जा रही है, क्योंकि वहां पर भी काफी ज्यादा फर्जीवाड़ा हो गया था। अब देखो, एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि एक तरीके से सेंटर से पड़ता है, उसमें इतना फर्जीवाड़ा हो रहा है तो ये तो बिल्कुल स्टेट की बात की जा रही है। यहाँ पर जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज जी, उनके द्वारा बार बार सांत्वना दी जाती थी कि हम एक तरीके से सीबीटी बेस नहीं करवाएंगे, हम ओएमआर बेस करवाएंगे, ओएमआर से हम सीबीटी बेस करवाएंगे, हम करवा कर देखेंगे, इस चीज का परीक्षण करेंगे, उसके बाद में जो भी आउटपुट रहेगा यानी कि पॉजिटिव आउटपुट आएगा तो हम इस चीज को मतलब कि जो पेपर वगैरह है वो सीबीटी बेस ही करवाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पेपर है वो बिल्कुल एक तरीके से फर्जीवाड़ा काफी लगातार देखने को मिल रहा है, अब इसका भुगतान है वो स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा। अब जो स्टूडेंट लगातार मेहनत कर रहे हैं उनकी आशाओं पर यहाँ पर पानी फिर चुका है, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर 2 गुना स्टूडेंट्स को पास किया गया था, मतलब कि टोटल जैसे आपके 67,000 स्टूडेंट थे, उनमें अभी जैसे अभी भी आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में भी आपकी कट ऑफ आएगी, तो यहाँ पर
जो अभी फिलहाल 60% जो कट ऑफ जा रही है वो आपकी 64-65 के तकरीबन भी जाएगी। यहाँ पर जैसे आपके 23 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, उनमें आपको पता है कि जहाँ पर कई क्वेश्चनों में जहाँ पर नहीं है, नहीं की जगह हाँ है, नहीं है हाँ है, तो वहीं पर दिक्कत होती है। तो इन चीजों को बार बार रिवाइज करना होता है, बार बार उस पेपर को पढ़कर अच्छी तरीके से एक तरीके से स्टूडेंट्स को वहां पर प्रोवाइड करवाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। बिल्कुल यहाँ पर एक तरीके से जो बोर्ड है, बोर्ड के द्वारा यहाँ पर लापरवाही की गई है, और इस लापरवाही का जो खामियाजा है वो स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ेगा। और काफी लोगों का बोलना तो ये भी है कि बोर्ड से जो बातें हैं वो भी लीक हुई है। कुछ का ये बोलना है कि जो ये कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ थी कि जैसे 576 रहेगी जनरल की, साथ ही में इतने क्वेश्चन डिलीट होंगे, ये पहले से ही लोगों को पता था और पहले से ये चीजें बता दी गई थी, जो कि काफी जगह देखने को मिली है। इस वजह से भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें बिल्कुल फर्जीवाड़ा हुआ है। देखो मेरी नजर में बिल्कुल यहाँ पर बोर्ड की लापरवाही है, और लापरवाही का खामियाजा सभी स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ेगा। काफी स्टूडेंट्स के ये कमेंट रहेंगे कि ये भर्ती है वो एक तरीके से रद्द होगी या नहीं होगी, बिल्कुल इसको रद्द नहीं किया जाएगा। तो आप सभी छात्रों को पता है कि जब इसका एग्जाम हुआ था, यानी पेपर फर्स्ट है पेपर सेकेंड है दोनों का एग्जाम हुआ था, तो तकरीबन 5 से 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक कोचिंग सेंटर वालों को एक तरीके से आंसर की बनाने में दिक्कत आई थी। अब आप सोच सकते हो कि इतना इजी पेपर भी नहीं था, ठीक है। जैसे उत्कर्ष की बात करें तो सबके लास्ट में एक तरीके से इनके द्वारा कट ऑफ है, मतलब कि जो आंसर की है वो बनाई गई थी। आप सोच सकते हो कि कितना हार्ड पेपर था, फिर भी यहाँ पर काफी लोगों के द्वारा, देखो आप में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसके पॉजिटिव पक्ष में होंगे, कुछ नेगेटिव में होंगे, मुझे पता है कि मोस्टली नेगेटिव में है। कुछ होंगे ऐसे कि मैंने मेहनत की है और मेहनत करने के बाद में मुझे इतने नंबर मिले हैं, वो मुझे सटीक मिले हैं, यहाँ पर कुछ भी फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। आप उस चीज को मानिए, ठीक है, आप मानते नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट है उनको पता है कि यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ है, और फर्जीवाड़ा का भुगतान है वो एक तरीके से स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आप सभी छात्रों के द्वारा मांग उठाई जाती है, या ट्विटर पर कैंपेन चलाया जाता है, या कहीं पर भी जैसे जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना दिया जाता है, तो कुछ ना कुछ इसके समर्थन में आपके लिए या तो पेपर को रद्द किया जा सकता है या पेपर को दोबारा से करवाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा होगा तभी जब सभी स्टूडेंट एकजुट, यानी कि यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, सभी स्टूडेंट एकजुट होकर यहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं या ट्विटर पर कैंपेन वगैरह चलाते हैं, तभी कुछ हो ऐसा हो पाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अलोक राज जी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जाते हो और वहां पर नीचे ट्वीट रीट्वीट करके वहां पर उनको बताते हो कि ये प्रॉब्लम है, वो है, फलाना है, तो वो अपनी तरफ से देखो बिल्कुल जो बोर्ड की खामियां हैं, कमियां हैं, वो उनको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ट्वीट के माध्यम से पता भी लग गया होगा कि वो बिल्कुल ढकने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके ढकने से कुछ नहीं होगा, उन चीजों का खामियाजा आप सभी छात्रों को भुगतना पड़ेगा। लापरवाही तो बोर्ड के द्वारा हुई है, और अगर इसके समर्थन में, यानी कि आप सभी छात्रों के समर्थन में बोर्ड कुछ बड़ा फैसला लेता है, तो आपके समर्थन में कुछ ना कुछ ऐसा अपडेट जरूर आएगा। आप थोड़ा पेशेंस रखें, लगातार इस चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि ऐसी अपडेट आपको रेगुलर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते